जानते हो कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है? मेहनत से आप इतना कमा सकते हो जिससे आपका घर चल सकता है, लेकिन आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। लेकिन अपने दिमाग से इतने पैसे कमा सकते हो जिससे आपके पूरे परिवार का सपना पूरा हो सकता है। कौन कहता है कि पैसों का पेड़ नहीं होता? इलॉन मस्क के लिए टेस्ला पैसों का पेड़ है, मुकेश अंबानी के लिए जियो पैसों का पेड़ है, रितेश अग्रवाल के लिए ओयो पैसों का पेड़ है, लैरी पेज के लिए गूगल पैसों का पेड़ है, विजय शेखर के लिए पेटीएम पैसों का पेड़ है, जेफ बेजोस के लिए अमेज़न पैसों का पेड़ है और वॉरेन बफेट के लिए शेयर्स पैसों का पेड़ है। मन में कुछ करने की हिम्मत तो रखो, तुम भी इसी तरह अपने लिए पैसों का पेड़ उगा सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहो और फिर देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता हूँ। चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। पैसे कमाने वाली स्किल्स: ए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दो, बोलने का तरीका सीखो। तीन, समय को मैनेज करना सीखो। चार, ध्यान से सुनना सीखो। पांच, लगातार काम करना सीखो। छह, समय पर पहुंचना सीखो। सात, ईमानदारी से रहो। आठ, नेटवर्क बनाना सीखो। नौ, सबके प्रति अच्छे भाव रखो। दस, हमें फॉलो करें। दिमाग का सीक्रेट: यदि दिमाग कमजोर हो तो हर काम में एक प्रॉब्लम नजर आती है, यदि दिमाग बैलेंस्ड हो तब हर काम में एक चैलेंज नजर आता है, और अगर दिमाग स्ट्रांग हो तब हर काम में एक मौका नजर आता है। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या आप हफ्ते में 100 घंटे काम करने के लिए तैयार हो? क्या आप 3 से 5 साल तक पार्टी और घूमने को मना करने के लिए तैयार हो? क्या आप आलस छोड़कर सिर्फ काम करने को तैयार हो? जवाब है नहीं, इसलिए लोग गरीब रह जाते हैं। हमें फॉलो कर लें, आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जा सकता है और वो है आप खुद। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। ध्यान रखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। मेरे दोस्त, पछताने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही तुम्हारे जिंदगी बदलने की घड़ी है। क्या आप जानते हो दूसरे का जॉब करने में और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में क्या अंतर है? जॉब मतलब आपको कुओं से पानी कैसे निकालना है ये सीखना होगा, और बिजनेस मतलब आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है ये सीखना होगा। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। रास्ते कैसे भी हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं? ये दुनिया देखने में तो बिल्कुल मेरी दुनिया जैसी ही लग रही है, लेकिन ये वह जगह नहीं है जहां मैं रहता हूं। अब मुझे यहां से बाहर कौन निकालेगा, और मैं अपनी असली दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा? कौन था ये शख्स और ये अपनी दुनिया से निकलकर इस दूसरी दुनिया में कैसे आ गया, जानने के लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। खुद को इस तरह से बेहतर बनाओ: शेयर कम बोलिए। दो, सबसे मेहनती बनिए। तीन, सबकी इज्जत कीजिए। चार, टाइम से काम पूरे करें। पांच, मुश्किल टाइम में भी काम कीजिए। छह, से लोगों की मदद कीजिए। सात, जो आपको अच्छी सलाह दे सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए। आठ, इंटरनेट पर फालतू वेबसाइट पर अपना टाइम बर्बाद न करें। नौ, जहां से अच्छी बातें सीखने को मिले ऐसे सोर्स पर ही टाइम बताएं। हमेशा अपने काम से काम रखो, क्योंकि हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। तुम्हारे लिए ये तीन बेहतरीन सलाह दे रहा हूं, गौर से सुनो। फेक सोचो मत, शुरुआत करो। दो, वादा मत करो, साबित करो। तीन, बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको 3 महीने का चैलेंज देने वाला हूं। उस वीडियो को देखें और अगर आपके अंदर दम है तो उस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाएं। इज्जत चाहते हो तो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो। नेगेटिव लोगों की संगति से दूर रहो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोने दो। लोगों को इज्जत दो, लेकिन किसी से भी प्यार की भीख मत मांगो। ध्यान से सुनो, 5 चीजें अभी से छोड़ दो। एक, नेगेटिव सोचना। दो, सबको खुश करना। 3, खुद को कम समझना। 4,
दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। 5, अपने अतीत को याद करके दुखी होना। जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ, क्योंकि समय बीत रहा है, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जिंदगी लगातार घटती जाती है, आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी के इन रहस्यों को हमेशा दुनियादारी से दूर रखें, क्योंकि आज के जमाने में माँ बाप के अलावा साथ देने वाला कोई नहीं है। ये रहस्य हैं, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, अपना लक्ष्य, अपना प्यार, बैंक बैलेंस, परिवार की समस्या और अपना दुश्मन। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वे चीजें अलग तरह से करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और उसमें सुधार करो। कठिनाइयां हमेशा बेहतरीन लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि वह जीवन में कुछ खास करने के लिए चुने जाते हैं। जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, छोटे दिल वाले कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलो। जीवन में जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। सफलता की कोई लिफ्ट नहीं होती, सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। जो व्यक्ति समय पर नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। मुश्किलें हमेशा बहादुर लोगों के पास आती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें हराना कठिन है। मिलता हूं अगली वीडियो में। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है भी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ किसी को इम्प्रेस करने पैदा नहीं हुआ। यहाँ मतलब की बात सब समझ लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सिर्फ सोचो मत, बल्कि जो सोचा है वो करके भी दिखाओ। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बेशक चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करो। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है भी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ किसी को इम्प्रेस करने पैदा नहीं हुआ। यहाँ मतलब की बात सब समझ लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सिर्फ सोचो मत, बल्कि जो सोचा है वो करके भी दिखाओ। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बेशक चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करो। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है भी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ किसी को इम्प्रेस करने पैदा नहीं हुआ। यहाँ मतलब की बात सब समझ लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सिर्फ सोचो मत, बल्कि जो सोचा है वो करके भी दिखाओ। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बेशक चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करो। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए हमें काबिल बनना पड़ता है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन याद रखो मेहनत से सब कुछ मिलता है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त उनका बेहतर जवाब देगा।
दुनिया में सबसे खराब और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो चीख कर अपने माँ बाप से बात करती है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है उसका न तो कोई वर्तमान है न भविष्य। जिंदगी आसान नहीं होगी, आपको खुद ही इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। यकीन मानो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरे साथ जुड़े रहो और फिर देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कुत्तों के भौंकने से शेर रुका नहीं करते। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। इसीलिए काम ज्यादा जरूरी है। फोकस ऐसा करो कि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कोई ना आए। अगर तुम्हें सफल होना है या जीवन में ऊंचाइयों को छूना है तो इस यात्रा में सब्र अथवा धैर्य को अपना मित्र बना लो, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कठिन रास्तों से बिल्कुल ना घबराएं। कठिन रास्ता अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, इसलिए इसका सही यूज करें। याद रखो, समय और समझ दोनों एक साथ केवल किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। घड़ी को ज्यादा मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं: नींद, गुस्सा, भय, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। अगर तुम्हें अच्छे वक्त की तलाश है तो पहले बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा। घमंड बुरा है, क्योंकि ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। याद रखना, शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लेने वालों के जीवन में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। मुझे फॉलो करो और फिर देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जानते हो, घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। याद रखो, कभी किसी से तुलना मत किया करो। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। केवल पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान मत देना, ज्ञान उनके लिए जहर के समान कड़वा होता है। मेरे इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए बहुत से लोग मेरे खिलाफ होते हैं। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, जानते हो, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। मुझे फॉलो करो और फिर देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता हूँ। ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि फ्यूचर में मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, एक महंगी कार और एक महंगा घर भी लूंगा, और अनफॉर्चुनेटली ये ड्रीम 100 में से केवल 2-4 लोगों का ही पूरा होता है, और बाकी सब लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक घिसी पीटी नौकरी से ही गुजरना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। असल में इन सब के पीछे हमारा एजुकेशनल सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में यह सिखाया ही नहीं जाता कि एक ड्रीम को एक रियलिटी में कैसे बदलना है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें कैसे दूसरे की नौकरी करनी है। ये हमें कोई नहीं सिखाता कि हमें एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है। अपने सोसाइटी में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आप लोग देखते हो, वे सब सेल्फ एजुकेशन की पावर से बने हैं। और सेल्फ एजुकेशन आपको कैसे मिलेगी, ये आपको मैं बताऊंगा। मुझे फॉलो करें, मैं आपको बहुत आगे तक ले जाऊंगा। जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की सोचता है तो उसको कौन सी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, जैसे फैमिली, दोस्त, प्यार, मौज मस्ती, और ये बात सिर्फ वही इंसान महसूस कर पा रहा होगा जो या तो ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका होगा या फिर गुजर रहा होगा। जो इंसान अभी अपनी जिंदगी में इस परिस्थिति से स्ट्रगल कर रहा है और मेरी बात से सहमत है, वो कमेंट बॉक्स में यस लिखे। उसे हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। अगर आपको भी अपने ड्रीम पूरे करने हैं और एक नॉर्मल लाइफ से हटकर
एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना है तो आपको नॉर्मल एजुकेशन के साथ सेल्फ एजुकेशन भी लेनी होगी। और सेल्फ एजुकेशन आपको कैसे मिलेगी ये आपको मैं बताऊंगा। जो समय आपके हाथ से निकल चुका है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, और जो समय आपके पास है उसका हर कीमत पर अच्छा यूज करना। मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको बहुत आगे तक ले जाऊंगा। इतने खतरनाक बन जाओगे कि किसी का बाप भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। बस ये 6 काम कर लो, अपने होश से काम लो, लेकिन जब होश का काम खत्म हो जाए तो अपने जोश को बाहर निकालो। अपने आप को इतना चौकन्ना और शांत रखो कि कोई भी माई का लाल तुम्हें धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। इज्जत के जवाब में इज्जत और लक्ष्य के जवाब में लठ हमेशा तैयार रखो। भीड़ में कभी भी इतना चुपके मत रहना कि कोई भी इंसान आकर तुम्हें रगड़ कर चला जाए। इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान तुमसे ये बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो अपने काम का ऐसा रिजल्ट लाओ कि सामने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं। हमेशा करो सीधी बात, नो बकवास, फालतू बातें मत करो, केवल काम की बातें करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में यस टाइप करो। सेल्फ एजुकेशन आपको कैसे मिलेगी ये आपको मैं बताऊंगा। अगर इसी तरह के ज्ञान से खुद को बदलना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, मैं आपको बहुत आगे ले जाऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।